त्रिपुरा में एक शादी समारोह में लोगों से बदसलूकी करने वाले जिलाधिकारी शैलेश यादव पर गाज गिरी है। डीएम द्वारा की गई बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम बिप्लव देव के हस्तक्षेप के बाद डीएम पर कार्रवाई की गई है। डीएम के खिलाफ भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि बुधवार को डीएम शैलेश यादव ने पश्चिमी त्रिपुरा के एक मैरिज हॉल में छापेमारी की थी। डीएम इस शादी समारोह में पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे। इस दौरान डीएम शैलेश यादव ने लोगों के साथ बदसलूकी भी की थी। पुलिसकर्मियों ने लोगों पर डंडे भी बरसाए थे। मारो मारो इसको। हिट हिम। सर परमिशन तो है सर। एक्सक्यूज मी सर। जो परमिशन होती है फॉर द 53 परमिशन इज टिल 10 PM। अरे सेम आल्सो। ओके दिस ऑल नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। अरे दिस गाय आल्सो। इन सब अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग। आप अपना इसको अरेस्ट होना चाहिए। इसको पकड़ के लेके जाओ, पकड़े नहीं, चलो इसको थानेदार के पास लेके चलो, लेके आओ। मारो इनको। सर इन लोग अरेस्ट करिए, सभी लोगों को अभी लेके जाइए। अरे मास्क के नहीं बोल रहे हम। सबका नाम नोट करिए, 188 में बुक करिए, सबको लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV।